हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है माइंडपुर सीजन 3 के एक और एपिसोड में। और ये देखो, हमारी बेस का काम अभी चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि मुझे पहले यहाँ पर फ्लोटिंग आइलैंड कंप्लीट करना है, फिर मैं इसको बढ़ाऊँगा। और ये वाला पोर्शन हो गया है, ठीक है, अभी क्वार्टर कम्प्लीट हुआ है, ठीक है, 75% और बाकी 25% हुआ है अभी हमारा ये प्लेटफॉर्म। अब ये बचा हुआ है, ये तो बहुत छोटा सा सेक्शन था, ये बहुत ज़्यादा लंबा है इस तरफ, ओके, और इस तरफ अभी और बचा हुआ है, ये देखो ये बचा है, फिर पूरा इस तरफ का बचा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। पर आज हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं नेदर में, क्योंकि हम ढूंढेंगे ब्रूट को, ठीक है, और देखना है कि वो क्या ड्रॉप करता है, क्या ड्रॉप क्या करता है, कितना पावरफुल है। और हाँ, मेरे पास गोल्ड नहीं है, शीश, मैं भूल गया था, गोल्ड लेके जाना है। कि बैशियन रेमिनेंट में वो अभी स्पॉन हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि हमने इसको 1.16 से 1.12 में कन्वर्ट करा है, तो मुझे शायद थोड़ा दूर जाना पड़ेगा इस गधे को ढूंढने। और हमारे पास गोल्ड है, नो गोल्ड, इसको बंद करो वापस, इसलिए मैं फायर रेजिस्टेंस पोशन लेके जा रहा हूँ अपने साथ में, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। नो नो नो, ओके कोई बात नहीं, इसको वापस लगाओ। अब हम हमारे चलते हैं, यहाँ पर शायद होना चाहिए गोल्ड मेरे पास। और कल हमने लाइव स्ट्रीम करी थी यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो जाकर। और ये दोनों चेस्ट में मुझे रखना है, और हमने क्या करा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाप रे, बहुत हल्ला होता है यहाँ पर। ओके, पहले इनको मैं शुश करता हूँ, फ्रेंडली क्रीचर्स, डन। ओके, तो क्या था कल हम यहाँ पर आए थे, ये देखो, ये मैंने 4 बॉक्स लगाए हैं यहाँ पर। फर्स्ट मेंडिंग का है, जो कि मैं इनसे लेता हूँ, मेंडिंग एफिशिएंसी 4, सिल्क टच एंड अनब्रेकिंग थ्री, ये लूटिंग कहाँ से आई मेरे पास एक, अच्छा मैंने ऊपर लूटिंग रखी रही हुई है, यहाँ तक कहाँ तक है, अनब्रेकिंग मैं इधर रखता हूँ फिर। ओके, तो ये सारी बुक्स हैं जो मैं अपने शॉप में ले जाऊँगा, ठीक है, जब मैं बुक शॉप बनाने वाला हूँ तब। और इन सबको मैंने कर दिया, सबसे अच्छा विलेजर मुझे ये वाला मिला था, जिसमें मेंडिंग, लूटिंग, सिल्क टच दे रहा है, और लास्ट जो है एम्पालिंग दे रहा है। कोई बात नहीं, 3 बुक्स तो हमें अच्छी दे रहा है, तो वो हम ले लेंगे, बाकी हमारे पुराने विलेजर्स हैं। तो ये ग्राइंड कर रहे थे हम कल लाइव स्ट्रीम में। और ये रहे बूट्स, थोड़ा सा गोल्ड भी लेके जा रहा हूँ मैं अपने साथ में। हाँ, मुझे एक नॉर्मल पिकैक्स भी चाहिए है, ये क्यों है इसमें, इसको रखो इसके अंदर, ठीक है, नॉर्मल पिकैक्स मेरे पास इसमें रखी हुई है, और वो है डायमंड की एफिशिएंसी 4 एंड ब्रेकिंग 3, ईजी क्लैप। ओके, इसको यहाँ पर लाओ, इसको अंदर रखो, फेदर फॉलिंग 2, मैंने फेदर फॉलिंग 4 मेरे इसमें लगा लिया है मेरे, और इसका नाम मैंने रखा है फॉल गाइस, मेरे बूट्स का। ओके ओके, तो इसे रखो वापस इसके अंदर, मेरे पास एंड चेस्ट है, इजी पीजी, 22 गोल्ड भी है। हम सो जाते हैं पहले, इससे पहले हम बाहर जाएं। ओके ओ, ओके, फ्रेंडली कीचर्स की ये बढ़ा दो वापस। अब निकलते हैं हम यहाँ से सीधे नेदर में, और हम जब तक ढूंढते रहेंगे जब तक हमें एक बैशियन रेमिनेंट नहीं मिलता, और वहाँ पर मिलता नहीं है मैं ब्रूट। ओके, लेट्स गो। ओके, के रखा है, ऑलराइडी, तो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ओपन है, ठीक है, हमें देखते हैं कितनी दूर पे जाके बैशियन रेमिनेंट मिलता है। ये बहुत लंबा जाना है मुझे इस तरफ, और यहीं पर ही हमारा पोर्टल भी है जो हमने ढूंढा था हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। तो मैं देख ले, मैं जा रहा हूँ वेस्ट साइड। ओके, दैट्स कूल। बाप रे, ये अनईजी अलायंस वाला करने में तो मेरी जान निकल गई थी। ओ, किसी और की आवाज़ से,
किसी और की आवाज़। ओ ये रहा वो पोर्टल। ओके हम यहीं से चलते हैं धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में। ओह हेलो देयर। उई शीट बाप रे दैट वाज अ गुड डाइव। मुझे पता नहीं था यहाँ पर पोर्टल एक ये मेरी आंखों से कैसे छुप गया। हेलो देयर। ओह नाइस 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 नाइस। देखो ये चीज़ काम आती है फिर आपको। देखो यहाँ पर क्राइंग ऑब्सिडियन है पूरा नहीं है बच गया मैं। वो रहेगा एक बैचियन रेमिनेंट वहाँ चलते हैं देखें ब्रूट फोर्स कितना ब्रूट है और ये कहाँ पर स्पॉन होता है वो देखना मुझे तो। ओके यहाँ पर एक पिगी है और यहाँ पर एक छोटा सा ये भी है स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं यहाँ जो छोटा सा पिगी बना रहता है गोल्ड का। नो यू डोंट। वेल हेलो। चलो हमने गोल्ड का आइटम पहन के रखा तो ये भी हमला नहीं करेगा हम पे। मुझे मिलना है ब्रूट से ब्रूट द डिस्ट्रॉयर है क्या वो यहाँ पे और वो कहाँ पर स्पॉन होता होगा वो भी देखना है मुझको। हियर वी गो। इस आवाज़ से मैं अब बहुत तंग आ गया हूँ जो इसकी आवाज़ है। No. मैं यहाँ से दूर चलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ब्रूट होगा क्योंकि इस रेमिनेंट को पहले ही खोज लिया गया था अपडेट से पहले ही। मुझे नई रेमिनेंट ढूंढनी पड़ेगी। हम वेस्ट जा रहे हैं ईस्ट क्यों जा रहे हैं हमको वेस्ट जाना है। वेस्ट इट इज। ओके ये आ गया हमारा सोल सैंड वैली। ओके ये मेरा वाला है क्या। हाँ ये हमारा ही फोर्ट्रेस है। नाइस वन हमारा ही नदर फोर्ट्रेस है। इट इज नॉट दैट फार एनीवेज। वो क्या लावा बेड है ये मस्त। वेस्ट ही जा रहा हूँ ना मैं। यस रुको यहाँ पर रुक के हम थोड़ा सा चंक थोड़ा सा दूर कर दें। 20 चंक इज़ गुड। एनिमेशन ऑफ कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं फिर इधर। ए ए ये एक और है यहाँ पर। मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा अगर मुझे ढूंढना है तो इसको। ये देखो इधर की इस तरफ रेंडर नहीं हुआ है ये वाला पार्ट क्योंकि अभी ड्रिप हो रहा है लावा तो मे बी। ओ यू 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 आई मे हैव अ गुड चांस ऑफ फाइंडिंग अ बैशियन रेमिनेंट ओवर हियर। ओके तो मुझे जैसे ही मिलता हूँ मैं वहाँ पहुँचता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है ओके तो हम यहाँ तक उड़ते हुए आए हैं और वो देखो सामने क्या दिख रहा है। वो दिख रहा है बैशियन रेमिनेंट।
मुझे मिला है। मैंने सोचा कि यहाँ पर रुक के हम थोड़ा सा वो कर लें, मुआयना कर लें आसपास, फिर अंदर चलते हैं। और मुझे पता नहीं है कि ब्रूट कहाँ पर स्पॉन होता है इसके, और ये काफ़ी बड़ी है रेमिनेंट। मैं इसलिए बीच प्लेटफॉर्म पे उतर रहा हूँ। ओह माय गॉड, एंड आई एम ड्रिंकिंग दिस, ओके, जस्ट टू बी सेफ। नाइस, ओके, तो मैं ब्लैक स्टोन रख रहा हूँ, मैंने ये पी लिया है, काढ़ा हमारा। और यहाँ पर काफ़ी सारा गोल्ड है, पर कोई पिग्स नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे अभी तक, और क्योंकि ये अपडेट नई आई है तो मुझे एक्सप्लोर करना ही था, ब्रूट को देखना ही था कि कैसा दिखता है वो और क्या वो मारता है आपको देखते ही धोने लग जाता है पकड़ के। कोई है यहाँ पर? ओके, और क्या उसका साउंड अलग आता है, इधर एक पिग की आवाज़ तो आ रही है, होपफुली देखते हैं। मैं अपना चेस्ट प्लेट पहन रहा हूँ जस्ट इन केस के अगर वो सामने आ जाता है या कोई भी आता है मेरे सामने तो उसको मार सको। ओके, यहाँ पर एक, ओह माय गॉड, समवन इज ओवर देयर। क्या ये ब्रूट है? ही इज ब्रूट। मैं ऊपर जाता हूँ और फिर देखता हूँ उसके लेवल पे। ओके, यहाँ पर दो चेस्ट हैं, इजी क्लैप। कोई दिख नहीं रहा है, इधर आवाज़ तो आ रही है किसी की। ओह माई गॉड, ही इज ब्रूट। हेलो ब्रूट, क्या चिल्लाता है ये तो, साला डराता है मेरे को, डराने का नहीं रहे। और देखो ये ब्रूट है, भले ही आपने पूरा गोल्ड का आर्मर क्यों ना पहन के रखा हो, शाइनी गोल्ड आर्मर, पर इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये धोता है आपको, और इसको आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो विद गोल्ड। टेक दैट, ये नो, अगर मैं नीचे भी फेंकूंगा तो कुछ नहीं करेगा ये, बिकॉज ये बिकाऊ नहीं है, समझे ना, दिस ब्रूट इज़ नॉट बिकाऊ। और इसी को ढूंढने मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बस देखना है इसको अच्छे से। ये देखो, अगर आपको इसको देखना है ना, ये आर्मर भी नहीं पहनता है क्योंकि इसको आर्मर की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे देखना है कि ये कितना डैमेज लेता है, हाउ मच डैमेज ही विल टेक। देखो ये लिखा है पिगलिन ब्रूट, नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे। हेलो देयर, और मेरे पास जो स्वॉर्ड है इससे मैं इसको मारूंगा। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इसको आपको देखना है, तो इसका ये बेल्ट रहता है, इसका जैकेट रहता है, ये आर्मर नहीं पहनता है, इसके पास एक एक्स रहती है, गोल्डन एक्स, और देखते ही एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। और भले ही आप इसको बार्टर करने की कोशिश करो, रिश्वत देने की कोशिश करो, पर ये नहीं सुनता है, ठीक है, ये आपको मार के ही छोड़ेगा। इसका नाम है ब्रूट, और इसके साथ हम फोटो भी खिंचवा सकते हैं। हेलो ब्रूट, डोंट हार्म मी, आई एम जस्ट फ्रेंडली नेबर। 1 in 22, नाइस वन। मुझे वन शॉट कर देगा अगर इसने मुझे यहाँ पर खुला देख लिया तो, समझ रहे हो, ही इज गोइंग टू वन शॉट मी। ओके, ऑलरेडी, सो अगर मैं तुम्हारे सामने ये लेता हूँ तो क्या करोगे तुम, मुझे मारोगे और गुस्सा होगे? कुछ नहीं कर सकते तुम घोंचू, आई एम गोइंग टू किल यू इवेंचुअली। ओके, तो मैं इसको मारने वाला हूँ, और ये शायद एक ही रहता है इसमें, देखते हैं कितने शॉट में मरता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 शॉट्स स्ट्रेट बॉडी शॉट्स। और ड्रॉप क्या करा है इसने? ड्रॉप मेरे ख्याल से कुछ नहीं करा है। और यहाँ पर दूसरे पप्लूज नहीं दिख रहे हैं, होपफुली मैंने इसको मारा है तो उनको भी पता नहीं चला होगा। ओके, अब हमारी तैयारी करते हैं हम गोल्ड लेने की, क्योंकि हम तो लेने आए थे सिर्फ ये गोल्ड और देखने कि ये कैसा रहता है, क्योंकि 1.16 में आया और उससे मिले बिना मिले जाना बहुत रूड होगा, समझ रहे हो। ओके, ओह इसमें वॉरपिग्स, 1 मिनट, इसमें एंशियंट डेब्रिज मिलती है, रियली, ओ नाइस लूट, दिस इज अ नाइस लूट,
दिस इज नाइस डिसेंट लूट। इनसे डेब्रिस का एक ब्लॉक मिला है मुझे, ये देखो, और गोल्ड अच्छा खासा मिला है, एक डायमंड शवल भी मिला है। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी लूट मिलेगी। वही चीज़ है कि ये जो ये क्या कहते हैं, ये जो अपडेट है इसमें थोड़ा और इनको वैरायटी डालनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा नेदर में। जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे उतना ज़्यादा मस्त है, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। देखो यहाँ पर गोल्ड ही गोल्ड भरा हुआ है। अब वो पिगी कहाँ चिल्ला रहा था, मुझे उसको ढूंढना है, उसके साथ थोड़ा सा हम बार्टर करते हैं और नई नई चीज़ें जो ओपन हुई है उसके बारे में मुझे देखना है कि क्या हमें वो प्रोवाइड करा सकता है वो चीज़। ए हटो, ए ये इधर आवाज आ रही है, इधर मैं डिक करता हूँ शायद इस प्लेटफॉर्म पे। मे बी ए मोर चेस्ट इन वन मोर ब्रूट, मल्टीपल ब्रूट्स इन पोजिशन। ओ यो 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 यो, मरने का नहीं रहे, ही मे डाई। ये भी ब्रूट है, हाँ ये भी ब्रूट है। अच्छा एक ही ब्रूट है, अच्छा उसके पीछे भी एक ब्रूट है। आई एम ऑन ब्रूटालिटी, नाइस, तीन ब्रूट निपट लिए। ओ ये हुई ना बात, इसको कहते हैं लूट। इजी क्लैप, तो मैं मैग्मा क्रीम भी रख रहा हूँ, ठीक है। ये भी रख रहे हैं हम, इसको हटाओ, बोन ब्लॉक नहीं चाहिए। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चेन ब्लॉक के बारे में, चेन ब्लॉक भी आई है, गोल्ड ब्लॉक, होली शीट। ये बसाल्ट नहीं, बसाल्ट यहाँ रखो, इसको लो। लूटिंग टू ये नहीं चाहिए मुझको, एरोज भी नहीं चाहिए, गोल्ड ब्लॉक दे दो, ये दे दो। सीक, तो मल्टीपल ब्रूट्स रह सकते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने ऐड करा ना, ये सबसे अच्छा है कि इसमें अच्छी खासी लूट मिल जाती है आपको, समझे, अच्छी खासी लूट मिल जाती है। और आप क्या कहते हो, यहाँ पर आना वेस्ट नहीं होता है। देखो अब मुझे दो गोल्ड डायमंड शवल मिल गए, दो एंशिएंट डेब्रीज मिल गई, इससे अच्छी क्या लूट हो सकती है। और अगर किसी ने कभी एंशिएंट डेब्रीज माइन नहीं करी है तो उसको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि व्हाट इज़ एंशिएंट डेब्रीज, उसको यहाँ लूट में मिल सकती है। और मुझे लगता है कि इन्होंने हर चेस्ट में एक एंशिएंट डेब्रीज होती ही होगी, वन ब्लॉक ऑफ एंशिएंट डेब्रीज ज़रूर होता होगा एक चेस्ट में, फॉर श्योर। बाटली फेंको, अब वो गोल्ड भी ले लेता हूँ मैं, इतने दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे हम। ओ बाप रे, मैं भूल गया था कि मैंने कि हमने क्या नहीं पहन के रखा हुआ है, हमने पहन के नहीं रखा हुआ है हमारा ये। डू फर्स्ट, इजी देर पपलू, मैं भूल गया था लाइटर नहीं पहन के रखा है। दैट वाज क्लोज, क्या घेरा मैं वहाँ पर। और होपफुली हमारे पास ये था, गुड। अब यहाँ पर हम ज़्यादा देर रुकने नहीं वाले, ऐसे बजेंगे फिर हम, नहीं तो तबले की तरह। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, गोल्ड इज गोल्ड, आई एम गोइंग टू टेक दिस। कौन चिल्लाया, मुझे लग रहा है मल्टीपल ब्रूट्स, मुझे लग नहीं रहा है, यहाँ पर मल्टीपल ब्रूट्स स्पॉन होते हैं, दैट्स पता चल गया है, ये क्लियर हो गया है। अब मैं इधर जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे एक स्टेयर चाहिए। ओके, यूजिंग माई 2000 IQ ब्रेन हम बच गए, एंड 10 IQ प्लेस कि हम वहाँ पर कूदे, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और अच्छी चीज़ ये थी कि हम लेकर आए। ओह वेट अ सेकंड, दिस इज इवन वाइडर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक रेवेशन रेमिनेंट भी अपनी होम बनानी पड़ेगी। देखो कितना बड़ा है, पूरा अंदर फैला हुआ है बसाल्ट में। मुझे यहाँ से ब्रिज बना के सीधा जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी शायद हो सकता है
कुछ माल. ओ माय गॉड, देयर इज अनदर ब्रूट ओवर देयर. व्हाट इज ही डूइंग ओवर देयर? प्रोटेक्टिंग सम स्टफ. ये हम स्पीड रन कर रहे थे ना, तब मुझे पता चला था. ओ वहाँ पर भी एक और चेस्ट है. आई लव इट. मतलब कि एक रेमिनेंट में आप अच्छा खासा माल कमा सकते हो अगर आपको पता है कि कहाँ देखना है और किसे मारना है. समझे? मैं यहीं से ये लेके जाने वाला हूँ कि मुझे पता है कि ब्रूट मिलेगा यहाँ पर पक्के से, इसलिए मैं ये लगा के जाऊँगा फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन. यही स्टेयर्स किधर है? ऐसा डिल्यूजनल रहता ना ये. एल्यूजनल, सॉरी डिल्यूजनल नहीं, एल्यूजन से भरा हुआ. और एक और चीज़ अब याद रखना कि हमें कूदना नहीं है, ठीक है? स्टेयर में. ओह वो रहा एक और ब्रूट. हेलो ब्रूटी बॉय, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर? आर यू चिलिंग और हैंगिंग आउट? ये नीचे तो आएगा मुझे देखकर कि ये फंसा हुआ है. ओ भाई ये तो फंसा हुआ है भाई, अब आएगा मज़ा. ये देखो ये जो है यहाँ पर स्टक है. आई कैन किल हिम, इजी इजी क्लैप, लेट्स किल हिम. ओह ये कर्स ऑफ वैनिशिंग, क्रॉसबो पियर्सिंग फोर. ये भी ले रहा हूँ मैं. मैग्मा क्रीम भी लेके जा रहे हैं. मैग्मा क्रीम की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आई एम टेकिंग इट. और यहाँ पर बहुत सारे जो पिगीज है वो मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उनके दोस्त ब्रूट को मार दिया है. ओ सो स्कैर्ड, आई एम सो स्कैर्ड. मुझे ध्यान रखना है, पता है ये ऊपर से कूद सकते हैं मेरे माथे पर और मेरे मुझे भागने की जगह नहीं मिलने वाली फिर. और हाँ देखा ब्रूट. हेलो ब्रूट, हाउ आर यू टुडे? वेयर आर यू फ्रेंड्स? यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स? वेरी सैड. ओह दैट वाज अनकॉल्ड फॉर. वो यहाँ पर, हाँ एक और चीज़ याद है मुझे. ये डोंट पॉइंट दैट थिंग एट मी. ओके यहाँ पर रहता है ये मैग्मा. क्या रहता है, रुको मुझे नीचे जाने दो यहाँ से. ओह वन मोर ब्रूट. हेलो देयर, हेलो देयर मिस्टर ब्रूटी. सबको मारना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है यहाँ पर. ओके सी या लेटर. ओके मुझे वो चेस्ट चाहिए. देखो इधर भी एक चेस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि हर चेस्ट के पास में एक ब्रूट स्पॉन होता है. जहाँ पर भी पूरे पैशन रेमिनेंट में एक चेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे तो पपलू टपलू है तो वो कुछ कर नहीं पाते, तो एक ब्रूट डाल देते हैं. वो ये प्रोटेक्ट करेगा और लूट, ऑसम लूट है. लूट इज़ वेरी ऑसम. ये देखो गोल्ड ब्लॉक, वो गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पलस मिला है हमें. क्या मिला है? गोल्डन एप्पलस, नाइस. ऑब्सिडियन मैं यहीं छोड़ रहा हूँ. ओके मैं लूट के ले जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है सब कुछ. पहले मुझे ये तोड़ना है. क्या तोड़ना है? वो ला मैग्मा ब्लॉक है ना, वो ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है. वो इसको बंद करो, बहुत ज़्यादा डैमेज देती है पता है. इनसे बच के रहना आप. ये और मेरे पास, मेरा ये भी ख़त्म हो रहा है. एक मिनट के बचा, देखा वहाँ पर है फिर भी उनकी रेंज देखो. उनकी हाइट छोटी करो पहले तो सबकी, और फिर मैं यहाँ से. कम ऑन डूफस, स्टे अवे फ्रॉम मी. ये आपने नहीं देखा तो स्पीड रन हमने, मैंने और एस ने जब करी थी तब ये हमने क्रिएट करा था. मेरे ऊपर से कोई कूदे ना. ये गया, अब इनको मार दो पहले तो.
बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पर। आई एम गोइंग फॉर द गोल्ड। ये कोई तो टारगेट ले रहा है मुझ पर। मुझे आवाज़ आ रही है स्ट्रेच करने की, पियर्सिंग बो। ओके आई एम हियर एंड मेरे पास दो चेस्ट हैं इससे पहले कि वो इस तरफ आए। देखा ये बहुत ज़्यादा डैमेज देती है, इसके बच के रहना। अगर एक बड़ा कूच आता ना आपके ऊपर तो गया फिर समझो। ओके तो ये अभी कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पर। आई एम गोइंग टू ओपन दिस चेस्ट एंड बोथ ऑफ द चेस्ट। माय गॉड इनको मारो पहले तो, ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। आ गई वो। और एक और चीज़, आप इसका फार्म भी बना सकते हो, मैग्मा केम फार्म। अरे हाँ मुझे अच्छा याद आया, मुझे इसका फार्म बनाना चाहिए एक और रेमेनेंट ढूंढ कर। अब हमारे पास ब्लॉक ख़त्म हो गए, थोड़े ब्लॉक माइन करने पड़ेंगे। पहले मैं इनको मार ही देता हूँ, वही बेस्ट है। ए ए यू यहाँ पर जितनी भी जनता हो रही है ना सबको मार डालो। और ये वन शॉट हो रहे हैं, कौन मारा? डराने का नहीं ऐसे हमको। तू कहाँ से आया रे बांगड़ू? मेरा वॉरपिक्स, शायद मेरा अचीवमेंट कंप्लीट हो गया था, पता नहीं फिर वापस क्यों आया। शायद नई अपडेट के साथ, पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं वॉरपिक्स मेरा कंप्लीट हुआ था कि नहीं। ओके आई एम गोइंग फॉर इट। ओके ये पैचेस जो हैं यहाँ से इनको बंद करो, इनको मार दो सबको। ओ यस, यहाँ पर मुझे एक शल्कर निकालना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू टेक आउट अ शल्कर और उसमें घुसाते हैं सब चीज़ें। खाली वाला शल्कर है क्या मेरे पास? 13 more 12 more हेड वाले में लगाते हैं हम। ओके सारी लूट डालो इसमें फटाफट से, बहुत लूट है हमारे पास, क्योंकि बहुत लूट मतलब बोले कि बहुत लूट। ओके ये ले लो। ओ नेदरराइट इंगट्स शूश, ये तो मैंने देखा ही नहीं था यहाँ पर भाई। अब बैशियन रेमिनेंट बनने वाला है, क्या बनने वाला है? लूट, लूट होल्डर्स यहाँ पर आएंगे सब इसको लूटने के लिए। ईजी पीजी है ये। मैंने वाला तो चेक भी नहीं करा। ए गो वे, वो वाला तो हमने चेक भी नहीं करा है। बम्बे ये कहाँ से गिरी? एंशियंट डेब्रीज मिली है, दो इनगिट्स मिले हैं हमें, और तो नहीं है ना इसका। मुझे वाला भी चेस्ट देखना है, अभी तो मैंने यही चेस्ट देखा है बस। हो गया, समय समाप्ति की घोषणा। ए वैसे मेरे पास फायर प्रोटेक्शन रखा हुआ है मेरे चेस्ट में मोर, फिर भी मैं थोड़े प्रिकॉशंस के साथ खेलूँगा क्योंकि ये आपको नॉक ऑफ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो बच के रहना ठीक है। ओ यस ओ यस, स्पेक्ट्रल एरोस, नाइस 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 नाइस। ओरे वाह, ये होती है भाई लूट। देखो मैंने इतना उस दिन ग्राइंड करा था और यहाँ पर हमें ऐसी मिल गई, ईजी पीजी। ये भी ले लो, ये भी ले लो। 3 ingot 2 ancient debris और गोल्ड ब्लॉक्स, डायमंड शवल, डायमंड ये, डायमंड वो, डायमंड हेलमेट भी मिला है मुझे, स्पेक्ट्रल एरोज भी मिला है। नॉइस, अब इससे पहले कि मैं इसे लूज़ करूँ डाल दो इसमें। नॉइस हो गया है, इसमें भी कुछ है, मुझे चेस्ट लेने हैं, दोनों चेस्ट मैं कलेक्ट कर रहा हूँ।
ठीक है। अभी तो बहुत सारे सीक्रेट्स बचे हुए हैं इस बेशियन रेमिनेंट में और हम वो लूट के जाने वाले हैं, ठीक है। पर जो हमारी मेन चीज़ थी वो हमने कर ली है, गोल्ड ब्लॉक से भरा हुआ पूरी दुकान है यहाँ पर। ए वन मोर चेस्ट ओवर देयर, नहीं वो मैंने कर लिया, मैं वहीं से तो आया था इधर। थोड़ा सा और घूमते हैं ना आसपास। गो अवे, यहाँ से निकलते हैं हम बाहर और देखते हैं। कहीं से लावा ड्रिप ना हो रहा बस मेरे ऊपर, मुझे इस तरफ आना है बस। ओके इट्स कूल, व्हाट, ए वेट अ सेकंड आई एम ऑन 30th लेवल, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल डूफस। हे लुक एट दैट, एंशिएंट डेब्रीज इन बैशियन रेवेनेंट, वेलकम टू माइनक्राफ्ट एपिसोड नंबर 110। नाउ दैट्स ऑसम। आप अमीर हो सकते हो, काफ़ी अमीर हो सकते हो अगर आप यहाँ पर आए हो तो। ओके ऑलराइडी, तो इसका सफ़र हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ मिल गई है। ये देखो पूरा डब्बा भर भर के हमें लूट मिली है, और हम आए थे तलाश में किसकी, ब्रूट की तलाश में, और ब्रूट हमें मिल गया है। 3-4 ब्रूट मिले, एक और अच्छी खासी ये रेमिनेंट मिली है जहाँ पर हमने काफ़ी सारा लूट मचाया है। और इतनी अच्छी लूट, इन्होंने बोला था कि वैशियन रेमिनेंट में उन्होंने ब्रूट ऐड करा है, उसके साथ साथ लूट में भी बहुत चेंजेस करें, और हमें वही मिला है मस्त लूट। और बस इनगिट्स आ गए हैं, 3 इनगिट्स आ गए हैं, 4 एंशिएंट डेब्रीज आई है शायद, 4 या 3 आई है, और काफ़ी सारे डायमंड लूट है, ठीक है। इजी क्लैप। ओके अब मैं यहीं पर एपिसोड एंड करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और जब तक हम यहीं पर घूमते हैं आसपास और देखते हैं कि कितनी और चीज़ें हैं जो बची हुई है और जो हम लूट के ले जा सकते हैं यहाँ से। ओके लेट्स गो, बाय बाय, सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं तो मेरे नए चैनल AK22 लाइव पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, माइंडपुर की भी हमने कल लाइव स्ट्रीम करी थी। एंड सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।